वेलकम टू ग्लोबल बाजार नर्सरी। ग्लोबल बाजार नर्सरी पे सारे किसान भाई को स्वागत है। आज जो वीडियो दिखा रहे हैं ये है मल्टा मौसम्बी प्लांट की वीडियो, इसमें आज बात करेंगे फ्लावर आने से पहले क्या करना पड़ता है, इसी टॉपिक में आज बात करेंगे। माल्टा प्लांट जो भी फार्मिंग अप कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए, पूरा जानकारी इसमें आपको दिया जाएगा। जो किसान नए हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर रखें, इस तरह का वीडियो हम लोग लाते रहते हैं, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो का अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपको दिखा रहे हैं मल्टा लेमन में, ये हमारा दूसरी साल है, इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा आया है। तो इसमें इसके लिए हम लोग एक ख़ास तरह का स्प्रे करते हैं जिसके कारण इसमें और ज़्यादा फ्लावर आएगा, और वो कैसे आएगा वो भी एक वीडियो करके आपको दिखाएंगे। अभी इस फ्लावर ना झरे इसके लिए भी एक स्प्रे करते हैं, और जो एक दो फ्रूट सेट होने जा रहे हैं वो भी ना ख़राब हो इसके लिए भी स्प्रे करेंगे। और इस टाइम पानी बिल्कुल पेड़ में नहीं देना चाहिए, बहुत ही कम देना चाहिए, और इससे पहले क्या खाद पेड़ में डालना चाहिए वो भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आपको नज़र आ रहे हैं एक दो फ्रूट सेट हुआ है, और हर डैनी में थोड़ा थोड़ा पत्ता निकल आया है, इसमें फ्लावर आना स्टार्ट हो गया है। आपको हम पेड़ को घुमा के दिखा रहे हैं, नज़दीक से दिखा रहे हैं जो फ्रूट हैं सेट होने जा रहे हैं। ये फ्रूट गिर भी सकता है, अब स्प्रे नहीं कीजिएगा तो गिर भी सकता है। और इस नए डैनी में आप देख सकते हैं जो फ्लावर आना स्टार्ट हुआ छोटा छोटा पत्ते के बीच में, ये बल्ब भी गिर सकता है, आप स्प्रे नहीं कीजिएगा तो। बहुत लोगों शिकायत रहता है जो हमारा पेड़ में बल्ब नहीं निकाल रहे हैं, फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो इसका बहुत सारा कारण होता है, इसलिए नहीं आता है। आपको खाद देने का, पानी देने का, ये थोड़ा अलग सिस्टम होता है। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए तो आपको पता चलेगा। लेमन के जो इसमें देख लिए फ्लावर सेट हुआ, तीन फ्लावर एंड तीन फ्रूट सेट हो रहे हैं, और तीन चार अभी फ्लावर है उसमें, वो भी सेट हो जाएगा। इस टाइम बिल्कुल आपको पानी नहीं चलेगा प्लांट में, आपको दिसंबर से पहले इसमें पानी हटा देना है, थोड़ा बहुत देना है, सिर्फ पौधे ज़िंदा रहें इस तरह का पानी आपको यूज करना पड़ेगा प्लांट पर। उससे पहले आपको खाद वगैरह जितना है देना है, खाना देके पूरा मिट्टी को जड़ को दबा देना है, और धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा पत्ता निकलेगा, ये आपको आ जाएगा। और इसको जब थोड़ा थोड़ा फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपको बूस्टर टू बोल के एक मेडिसिन आता है, जो एक हार्मोन टाइप का, आपका अगल बगल में जो भी फर्टिलाइज़र शॉप हैं वहाँ आपको मिल जाएगा, बहुत कम कीमत में मिलता है। इसको पहले स्प्रे कीजिएगा, उसके बाद एक से दो दिन बाद थीटा बोल के एक आपको छोटा मक्खी वगैरह जो फ्लावर या फल को बल्ब में जड़ के अंदर बैठ के चूस के फल को ख़राब कर देते, गिरा देता है, तो इसके लिए इस दवाई को स्प्रे कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि फ्लावर और गिरेगा नहीं, फ्रूट गिरेगा नहीं। और ये एक नया दवा है, इसके बारे में हम जिक्र अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये नया लाया गया है, और ये क्या काम करता है हम पहले स्प्रे करके देखेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये जो दो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया हूँ, ये पहले स्प्रे करके हम कर रहे हैं, उसके बाद अब फिर एक वीडियो डालेंगे जिस वीडियो में दिखाएंगे जो फ्लावर कितना खिले हैं, कितना फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं, और कितना फ्लावर ज़्यादा तादाद में हुआ प्लांट में, वो भी दिखाएंगे। और प्लांट में मिट्टी देखिए, जड़ में एक भी पानी हम नहीं डालते हैं अभी,
पूरा सूखा है। फार्मिंग के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये प्लांट वो होलसेल में चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। और इसका और भी जानकारी है आगे आपको शेयर करते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो आगे और भी वीडियो आपको मिलते रहेगा माल्टा की रिकॉर्डिंग। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हर किसान भाई को धन्यवाद। गो ग्लोबल गो।